अभी वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन उस फोन में तेरे खिलाफ सबूत है। आई नो डैड, लेकिन फोन होटल रूम में, और होटल रूम में मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा। फोन वहां सेफ है, पहले से ठिकाने लगाते हैं, फिर फोन की देखेंगे। ठिकाने लगा रहे मतलब क्या प्लान है तेरा? मेरा प्लान था इसे जान से मारना बिना चोट पहुंचाए। किसी को जान से मारना बिना चोट पहुंचाए? अगर ऐसा ही करना था तो उसका गला दबा देते। डैड, मौत नेचुरल लगनी चाहिए, मर्डर नहीं। मर्डर लगता तो भी तू क्यों डर रहा है? कोई भी कर सकता है मर्डर। डैड, लेकिन सबसे पहले पुलिस मुझे ढूंढेगी, क्योंकि क्राइम से पहले मैंने कन्फेस कर लिया था। मेरी तनु से बात हुई थी और गुस्से में मैंने कह दिया था कि मैं अभी को जान से मारने वाला हूँ। वो तनु जो अभी की सगी नहीं हुई, वो मेरी का सगी होगी। सबसे पहले पुलिस में जाके बताएगी कि मैंने किया खून। डैड, इसका मरना था, लेकिन इसकी मौत एक्सीडेंटल लगनी चाहिए, इसीलिए पहले मैंने इसे बेहोश किया और अब इसे कोल्ड स्टोरेज में लेके जा रहा हूँ। होश आने के पहले इसकी मौत हो जाएगी और इसकी मौत एक्सीडेंटल लगेगी। लोग सोचेंगे कि कोल्ड स्टोरेज में गलती से चला गया और वहां पहुंच के मर गया। दिमाग अच्छा लगा लेता है तू ऐसे मामलों में। पापी का खून हूं डैड, एंड आई नो आई एम द बेस्ट। इसे अंदर छोड़कर आया। आज होटल में किसी की एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो यहाँ तो कोई आने से रहा। अगर यहाँ कोई आएगा तो यमराज आएगा। क्लोरोफॉर्म का डोज अच्छे से दे दिया है। मौत से पहले तो होश आने से रहा। अब अपना हिसाब हुआ है पूरा। क्या हुआ डैड, क्या सोच रहे हो? ये कोल्ड स्टोरेज अंडरग्राउंड बेसमेंट में, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुझे लगता है तेरा बदला पूरा हो गया? अभी कहीं मरते मेरा बदला पूरा हो जाएगा। किस बात का बदला? क्योंकि उसने तेरी इंसल्ट की? ऑफ कोर्स। तो सिर्फ अभी से ही बदला क्यों? प्रज्ञा से क्यों नहीं? प्रज्ञा ने भी तेरी इंसल्ट की थी। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी फैमिली फ्रॉड है। कुछ दिनों में इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वो मेरा कुमकुम है, मेरा भाग्य। और कहते हैं ना, इंसान से कुछ भी छीन सकता है लेकिन उसका भाग्य नहीं। तुम अब तक बिजनेस वुमन प्रज्ञा को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन इस बार तुम एक पत्नी मिस प्रज्ञा अभिषेक मेहरा के सामने खड़े हो। जब तू अभी को मार सकता है तो प्रज्ञा को क्यों नहीं? तू अगर अभी को मारने का फूल प्रूफ प्लान बना सकता है, प्रज्ञा के लिए क्यों नहीं? और अगर एक मर्डर में तू पकड़ा भी गया, तुझे अगर फांसी हो भी गई, एक मर्डर से फांसी क्या चढ़ना? दोनों मर्डर कर दे, एक तीर से दो शिकार कर दे बेटा। हाँ हाँ, मेरी बेटी की वेडिंग एनिवर्सरी है, सारे अरेंजमेंट्स एकदम ग्रैंड स्टाइल में होने चाहिए, मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। ओके, नहीं नहीं नहीं, प्रज्ञा से मत पूछना, जो भी पूछना है तो मुझसे पूछना, उसके लिए तो ये सरप्राइज पार्टी होगी। हाँ हाँ, लिसन, आई जस्ट कॉल यू बैक। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फोन करने की? अब किसी की भलाई करने में हिम्मत थोड़ी दिखानी पड़ती है, दिली दिखानी पड़ती है। और वैसे भी क्या है ना सुषमा जी, बेहोश हुए लोग बोल नहीं पाते, तो मैंने सोचा मैं ही मैसेज कन्वे कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो, कौन बेहोश है? देखिए सुषमा जी, टाइम नहीं है मेरे पास, तो शॉर्ट में कहूंगा, अब से 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो सो कॉल्ड दामाद है ना, वो मरने वाला है। What? अब बेकार की बातों में होटल स्टाफ पुलिस वालों को बुला करना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपके दामाद के पास वैसे ही कुछ मिनट्स बचे हुए हैं। सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा उसकी गले की नस काट के। हाँ, उसकी जान बच सकती है अगर 10 मिनट में प्रज्ञा यहां पहुंच गई तो। अगर 10 मिनट में वो यहां आ गई तो अभी को छोड़ दूंगा मैं, और अगर नहीं आई तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। तो जल्दी डिसाइड करो, द टाइम इज रनिंग आउट। कहां है अभी? होटल रेडिसन ब्राइट अंडरग्राउंड बेसमेंट के कोल्ड स्टोरेज में। गेम के रूल्स एक बार फिर बता देता हूं, अगर किसी को फोन किया ना तो अभी नहीं बचेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? डरना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि
अगर आप डरी हुई रहेंगी ना तो अभी की सांसें चलती रहेंगी। नहीं तो आप जानती हैं कि अभी के संग क्या होगा। लिसन, इसकी हिम्मत कैसी हुई? क्या करेगा ये अभी के साथ? नहीं नहीं, अभी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अभी के अभी हेलो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो, मैं इन मिनटों को ना सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा उसकी गले की नस काट के। प्रज्ञा, ओह गॉड, प्रज्ञा का फोन नहीं लग रहा। कहां ले गए होंगे वो लोग इन्हें? इनका फोन भी मेरे पास है, किससे पूछूं? गौरव, यहां नेटवर्क ही नहीं है। एक बार फिर से लगाती हूं। The number you are trying to call is currently not reachable. Not reachable? हे भगवान। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए। कहां जा सकते हैं ये? हेलो शगुन, प्रज्ञा को फोन दो। कहाँ है प्रज्ञा? कब से फोन लगा रही है, उसका फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं घर में क्या हो रहा है मैम। अभी सर आए और फिर वो चले गए, उसके बाद प्रज्ञा मैम आई और फिर वो। हाँ हाँ, प्रज्ञा को फोन दो, घर में क्या हो रहा है वो मुझे बाद में बताओ। प्रज्ञा मैम भी तो घर पे नहीं है ना मैम। अभी सर आए और फिर वो जल्दी में चले गए। फिर तनु और आलिया भी अपना सामान पैक करके कहीं निकल गई। मिताली भाभी और ताई जी भी पंजाब चले गए अचानक दादी से मिलने। प्रज्ञा कहाँ गई है? मैम वो बता के नहीं गए मैम, आई थी फिर वो जल्दी में कहीं चली गई मैम। गॉड, ठीक है जब फोन आए ना किसी का तो मुझे बता देना। ओके जी। एक तो पहले से इतनी स्ट्रेस हो रही है, ऊपर से ये स्ट्रेस ले रही है, अब प्रज्ञा को कहाँ ढूंढू? सॉरी, मत नोट कीजिए, यहां कोई नहीं। बस अब थोड़ी देर में ठंड के कारण अभी का दिमाग चलना बंद हो जाएगा, खून नसों में जमने लगेगा और दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी और फिर नींद से मौत तक का सफर चंद मिनटों में पूरा हो जाएगा। अब कोई नहीं आएगा बचाने, सिर्फ लोग आएंगे चार कंधे पे उसे उठाने। डैड, आपको क्या लगता है सुषमा जी ने प्रज्ञा को सब कुछ बता दिया होगा? क्या अभी भी उसे ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं उसे धमकी दे रहा हूँ? क्या फर्क पड़ता है बताए ना बताए, फिलहाल तो जो मौत का खेल चल रहा है उसका तो मजा लेने दे। मजा तो तब आएगा जब प्रज्ञा यहाँ आएगी और अभी प्रज्ञा की बाहों में अपना दम तोड़े, वो होगा असली क्लाइमैक्स, असली रिवेंज। काम करती हूँ, प्रज्ञा को मैसेज कर देती हूँ, जब नेटवर्क आएगा ना तो अपने आप डिलीवर हो जाएगा। वैसे बेटा तेरा आइडिया बुरा नहीं था अभी को यहाँ कोल्ड स्टोरेज रूम में लाके मारने का। मजा तो डबल हो जाएगा डायरेक्ट जब प्रज्ञा यहाँ पर आई, लेकिन अगर यहाँ आके उसे बचा लिया तो? गेम मेरा, रूल्स मेरे, तो रिजल्ट भी मेरा ही बनाया होगा ना। क्या प्लान सोच के रखा है प्रज्ञा के लिए? डैड अगर पहले से बता दिया तो एक्साइटमेंट कम नहीं हो जाएगी? आपने कहा था ना कि गेम का मजा लेने दे, तो इस ट्विस्ट एंड टर्न का भी मजा लीजिए आप। गौरव कहाँ ले गया होगा इन्हें? हर जगह ढूंढ लिया। एक्सक्यूज मी, ये इस होटल का टेरेस है, वहां जाने का कोई रास्ता है? नो मैम, होटल में सिर्फ 5 फ्लोर है, ऊपर कुछ नहीं है। और कहीं कोई और कमरा? मैम बेसमेंट है बट कोल्ड स्टोरेज है। कैसे जाते हैं वहां? मैम वहां से सीढ़ियां है,
लेकिन मैम वहां जाना अलाउड नहीं है। हेलो, थैंक गॉड प्रज्ञा तुम्हारा फोन मिल गया। देखो एक मिनट भी वेस्ट मत करना, जल्दी से होटल रेड जोन ब्राइट पहुंचो। उसकी कोल्ड स्टोरेज बेसमेंट में है जहां पर गौरव ने अभी को बंद करके रखा है। उसकी जान खतरे में है और उसकी जान तुम ही बचा सकती हो, जल्दी से पहुंचो ठीक है। मैं होटल में ही हूँ, कोल्ड स्टोरेज की तरफ ही जा रही। थैंक गॉड प्रज्ञा तुम वहां पहुंच गई। सुषमा जी यहाँ नेटवर्क नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती हूं। हेलो प्रज्ञा सुनो। ओह गॉड, यार यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं जरा चेक करके आता हूँ मेरे आदमियों को होश आया कि नहीं। एलसीयू आप यहीं रहिएगा। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले प्राची को बता दो, बहुत खुश होगी वो। Excuse me. आपका नेटवर्क आ रहा है? नहीं, मैं भी कब से फोन ट्राई कर रहा हूं। ये तो प्राची की मॉम है ना? नहीं, पहले फोन कर लेता हूं। आई थिंक वहां नेटवर्क आ रहा है, मैंने भी वहीं से बात की थी। ओके थैंक यू। प्राची तो पागल हो जाएगी कि जिस प्रोजेक्ट पे उसने इतनी मेहनत की है वो हमारी कंपनी को मिला। यहां भी नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ बॉस। अरे उठे क्या तुम लोग? मेरे फोन में एक भी सिग्नल नहीं दिख रहा और उस आदमी की पूरी बात हो रही है, और अगर वहां नेटवर्क आ रहा है तो उसने मुझे यहां क्यों भेजा? होश में तो? हाँ बॉस होश में। बॉस जॉन भी उठ गया है। हम लोग तो ठीक है, पर उस आदमी का क्या हुआ? अभिषेक प्रेम मेरा का वही होगा जो मैंने डिसाइड किया है। पहले अकेले मर रहा था, अब अपनी बीवी को साथ लेके मरेगा वो। मौत का ऐसा खेल बनाया है ना मैंने कि अगर अभी को कोई बचा सकता है तो उसकी पत्नी प्रज्ञा है। लेकिन अफसोस वक्त बहुत कम है उनके पास। अगर समय पे प्रज्ञा ने बचा लिया तो ठीक है, और अगर किसी ने चालाकी की और पुलिस को बुलाया तो मैं मारूंगा उन दोनों को। अभी तो होश में ही नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे पागल है क्या, गार्डन में घूम रहा है? कौन है बॉस? कोई नहीं। सुनो तुम रूम से निकलो बाहर, और जब रूम से निकलोगे तो सब ठीक करके निकलना। हाउसकीपिंग को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ झगड़ा हुआ। ठीक है बॉस। प्रज्ञा अभी तक आई नहीं, अपने पति की परवाह नहीं है या मेरा पैगाम नहीं मिला। खैर जो भी है, अभी का मरना तो तय है, मरने की न्यूज सुनेगी तो रो रो के मर जाएगी। अभी को जाके चेक करता हूं कितनी जान बची है। डैड कहाँ है? तो तुम आ गई प्रज्ञा? अभिषेक मेहरा, देखो तुम्हें यहाँ लुका छुपी खेलने के लिए नहीं बुलाया। अरे गेम समझ तो लो कि खेलना क्या है। देखो मेरे संग गेम मत खेलो प्रज्ञा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हारे पति के पास सांस है। बाहर निकलो। प्रज्ञा आखिरी बार कह रहा हूं बाहर आओ, छुपने से कुछ नहीं होगा। डैड, We'll be right back.
थैंक गॉड। प्रज्ञा, तुम मेरे गेम में मुझे ही हराना चाहती हो? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी प्रज्ञा मेरा। अरे मेरे डैड तो ओल्ड, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। प्रज्ञा आखिरी बार कह रहा हूं, बाहर आ जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म, तुम्हारे पति का टाइम खत्म, या तो उसे बचा लो या अपने आप को। क्या? हाँ प्राची, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। सिट, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ वहां पे, मैं पुलिस को भी लेकर आती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम पुलिस को नाम बताना। वो बंदा एक नंबर का साइको लग रहा था, पता नहीं पुलिस को देख के क्या करेगा। सेठ, वो क्या करेगा ये सोच के हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते ना, हमें कुछ करना होगा। जैसा तुम कह रहे हो, अगर सच में तुमने माँ को देखा है तो वो पापा को बचा लेंगी, मुझे पता है कैसे भी करके। पर वी हैव टू डू समथिंग, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हम उस आदमी को छोड़ नहीं सकते, क्या पता वो कल वापस कुछ करे। सेठ, तुम वहीं रुको, तुम मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, तुम जल्दी आओ, मैं ये वेट कर रहा हूँ। कमाल है, मैं तो झूठे इल्जाम लगा रही थी, पर यहाँ तो ट्रू लव स्टोरी चल रही है। सिद्धार्थ ने फोन किया और बीमार प्राची भाग गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अब इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा? इसे यूज करना होगा कि सिद्धार्थ की आवाज सुन के प्राची ऐसे भागी जैसे किसी की जान पे बनाई। आई थिंक मुझे पता है कि आप कहाँ छुपी हैं। तुम्हें लगता है मैं चाकू से डर जाऊंगा? लिफ्ट। अपने आप को बहुत माहिर समझती हो ना हर गेम में, पर ये खेल मेरा है तो हार जीत का फैसला भी मैं ही करूंगा। अब मांगो माफी, माफी मांगो। मेरे संग जो भी कुछ किया ना तुमने, मेरा लॉस, मेरी इंसल्ट, मांगो माफी। पर ना क्या कर लोगे? वही करोगे ना जो करते आए हो। तुम जैसे लालची और घटिया इंसान को कोई माफी नहीं मिल सकती, इसलिए ये यहां आ रहे थे तुम्हें सजा देने के लिए, मैं रोक रही थी। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं सजा दूंगी तुम। गन पॉइंट पे तुम खड़ी हो, सजा मुझे मिलेगी। मांग लो माफी, हो सकता है तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दूंगी मैं। मार खाए बिना कोई बात समझ में आती नहीं है ना तुझे? हिसाब चुकता करना था ना तुझे? मां, दे मेरे बेटे को, वरना इसका गला काट दूंगा। नहीं नहीं प्लीज, कुछ मत कर रहा तुम। डायलॉग बाजी का शौक मेरे बेटे को होगा, मुझे नहीं। मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, ऑन द स्पॉट। अब अगर अपनी बीवी की जान प्यारी है, जहां से आया है चुपचाप वहीं वापस चला जा।
खुद को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दे, मैं तेरी बीवी को छोड़ दूंगा। अंदर जाओ। नहीं, आप इनकी बात मत सुनिए प्लीज। कुछ नहीं होगा मुझे, प्लीज। अंदर जाओ। प्रज्ञा, मैं जा रहा हूँ अंदर। अंदर जाओ। कुछ कुछ मत करना प्लीज। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं अंदर। प्लीज नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। कुछ अंदर। अंदर मत जाओ। बंद रहो। दरवाजा खोल। दरवाजे से दूर। प्रज्ञा को कुछ मत करना प्लीज। जा रहा हूं। आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। कोई आगे नहीं आएगा। प्लीज दरवाजा खोलते देखो, अगर मारना है तो मुझे मारो, लेकिन प्रज्ञा को जाने दो प्लीज। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो सजा देनी है मुझे तो प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? मैडम लगता है आगे रोड बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आधी दिल्ली इसी रोड से जा रही है क्या? ट्रैफिक कम ही नहीं हो रहा, अब क्या रेडियो पे अनाउंस करना पड़ेगा कि रास्ता बंद है? ए, चले। भैया सुनिए ना, मुझे जाने दीजिए ना, बहुत जरूरी काम है। अरे मैडम आगे रास्ता बंद है। नहीं देखिए, मुझे जहाँ जाना है ना वो कहीं और पहुँचना है, मुझे प्लीज जाने दीजिए। सबको अलग अलग बताएंगे मैडम कि रास्ता बंद है, चलिए यू टर्न लीजिए। देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज प्लीज जाने दीजिए मुझे। मैं आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। सबको यहीं से जाना है, है? और सबको यही डायलॉग मारना, अगर आपको जाने दिया तो सब आएंगे, और सब आएंगे तो मेरी नौकरी जाएगी। अब समझ क्यों नहीं रही? लगता है लेडी कांस्टेबल बुलाना ही पड़ेगा। है? अरे मैडम, अरे रुकिए, अरे उसे हाथ मत लगाइए। कोई है प्लीज, प्लीज हेल्प, दरवाजा खोलो प्लीज, कोई है। प्रज्ञा मैं प्लीज आंखें खोलो। प्रज्ञा देखो तुम बेहोश रही ना तो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा। प्रज्ञा प्लीज मेरी बात सुनो। प्रज्ञा तुम आई क्यों यहाँ पर? तुम्हें हमेशा ना मुझे बचाना होता है, मुझे बचाने के चक्कर में तुम गुस्सा इतना आ रहा है, मन कर रहा है कि तुम एक बार होश आ जाना, फिर दिखाता हूं मैं तुम्हें। कोई है प्लीज दरवाजा खोलो। आके खोलो अपनी प्रज्ञा। तुम देखो ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है और तुम यहाँ की बॉस नहीं हो जो मैं तुम्हारा ऑर्डर लूंगा। याद है पिछली बार तुम वो डार्ट गेम हार गई थी, 24 घंटों के लिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स लेने थे ना, तो अब वो टाइम शुरू होता है। प्रज्ञा प्रज्ञा प्लीज आके खोलो ना। कोई है प्लीज, कोई है दरवाजा खोलो प्लीज। प्रज्ञा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। प्रज्ञा तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो, जब आती हो ना मुसीबत अपने साथ लेकर आती हो, और मुझ पर आने से पहले मुसीबत को अपने गले लगा लेती हो। तुम घर पर होती तो तुम्हारा क्या जाता? प्रज्ञा तुम हेल्प प्लीज, कोई हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज, मेरी प्रज्ञा को बचा लो। कोई ओपन द डोर। बेहोशी में कोई ऐसे डांटता है?
चुप रही हूँ क्या मैं? बार बार अलग क्यों कर रहे हैं? ऐसे गले लगे रहने दीजिए। हमें कौन अलग रहेगा, थोड़ी देर क्या, हमेशा अगले गले लगो तुम। हमेशा ऐसे रहेंगे गले लगाकर? और नहीं तो क्या, तुम इजाजत दो तो। क्या इजाजत, याद भी आखिरी बार गले कब लगाया था? हाँ हाँ वो कोर्ट में, कोर्ट में, कोर्ट के बाद भी तो किया था ना, याद नहीं है? जब मैंने तुम्हें गले लगाया था, तुम कुछ कर रही थी, फिर मैंने तुम्हें पुल किया, फिर बच्चे आ गए। क्या याद है? कब? मुझे नहीं याद। अरे वो ख्यालों में अरे अब मेरे दिल में रहती हो, ख्यालों में आती जाती रहती हो, तो जब दिखती हो ना तभी गले लगा लेता हूँ मैं। बातों के सौदागर। हाँ पर कोई बुरा सौदा तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ? सौदा बुरा तो नहीं किया, आप अच्छे इंसान हैं, दिल का सौदा अच्छा ही करते। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं। सौदा कोई भी हो, कीमत तो तुम्हें ही चुकानी पड़ती है ना। खामोशियां कुछ चाहा है तुमने, तुम्हें खुशियां देने के बदले मैंने तुम्हारी खुशियां छीन ली, तुम्हारा सुकून छीन लिया। क्या कह रहे हैं आप? सब पता चल गया है मुझे। क्या? यही कि दो साल तक तुम मुझसे दूर क्यों रही, तुम मुझसे नफरत क्यों करती रही, और जब मिली तब तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मुझे सब पता चल गया और अब तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए ना, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी, मैंने तुम्हारा ब्रेक फेल नहीं किया था, वो आले और तनु थी जिसने ये सब कुछ किया, और मुझे यूज किया, मेरा नाम यूज किया ताकि अगर तुम जिंदा भी बच जाओ ना तो मुझसे नफरत करती रहो। मैंने ये सारी बातें ना आले और तनु को गौरव से करते हुए सुना है। हमने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे, हमने उसके दिमाग में ऐसे डाउट क्रिएट किए थे कि उसे लगे कि उसके पति ने उसे मारने की कोशिश की, इतने डाउट क्रिएट किए कि उसे भरोसा हो गया कि उसे मारने वाला और कोई नहीं, खुद अभी है। हमने उसे ऑलमोस्ट मार दिया था, हम तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे गौरव। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज और कुछ मत कहिए, आप अपना दिल जितना बड़ा दिखाएंगे मैं उतनी छोटी बच्ची। इतना शर्मिंदा भी मत कीजिए कि मैं आँख ही ना मिलूँ। नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। गलती है ना मेरी, मैं कैसे मान सकती हूँ कि आप? तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है ताकि तुम यहाँ आ ही ना पाओ, अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। आप मेरी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं, एक्चुअली वो ब्रेक फेल हुआ और मैं। गलती इंसान से ही होती है ना, और किससे होती है गलती? लेकिन इस गलती की सजा हम दोनों को मिली ना। हाँ मतलब मरने की खबर तुम्हारी आई और जैसे जान मेरी निकल गई। वक्त कटता था लेकिन जिंदगी नहीं कटती। अब बस बहुत हो गया, अब मुझे और परेशान मत करना प्लीज, मेरा इम्तिहान मत लेना तुम, मुझे दूर कभी मत जाना तुम। अब तुम मुझे दूर तब जाना जब मैं इस दुनिया से दूर चला जाता। प्लीज अभी मिले, अभी दूर जाने की बात मत कीजिए। ठीक है, नहीं करूंगा, हम यहीं पर रहेंगे। यही पर रहेंगे, इस ठंड में बाहर नहीं जाना। बाहर क्या जाना, क्या बात बोल रही हो तुम, बाहर जाना, मुझे बचाने आई थी और खुद अंदर फंस गई ना मेरे साथ। तो आप कुछ कीजिए ना, खुद बाहर निकलिए, मुझे भी निकालिए, वरना भी थोड़ी देर में ठंड में अकड़ जाएंगे आप। तो एक काम करते ना, एक काम करते, गले लग जाते एक दूसरे से, क्योंकि ठंड में अकड़ गए ना तो उसी पोज में रहेंगे ऐसे किस करके। नहीं जोक मारा था, फेल हो गया। आस पास देखो तुम, कुछ ज्यादा है तुम्हें, ज्यादा है। बस हम ये यहां से भी निकल जाएंगे ना। कहीं सुना था या संगत का असर पड़ गया क्या? मैं कहती हूँ ना, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो कांपते मत रहिए, चली शुरू हो जाइए। कोई है? पुलिस आएगी तो फोन करना।
नोट पे मेरा नंबर है, कोई भी गड़बड़ होगी तो जस्ट कॉल मी। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे लगता है पुलिस आएगी। नहीं, पर फॉर द सेफर साइड दिमाग पे रख के चलते हैं। बाय चांस अगर पुलिस आ गई तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से हो। लेकिन मान ले अगर उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो डैट प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। आई एम द बेस्ट। मैडम मैडम संभाल के चलिए, आप अभी तो गिर जाती। आप सही तो हैं? Somebody help! Help! कोई है? अरे help us please! Help! कोई है? किसी हमारी आवाज सुनाई दे रही है? कोई सुनिए, कोई है वहां पर? आवाज लगाने दो ना मुझे। सुनिए, आप मेरे साथ आइए, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। मैं बोल रहा हूँ कोई तो आएगा। नहीं, ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो सांस चढ़ जाएगी, फिर किसी से मदद भी नहीं मांग पाएंगे। आपको दिख नहीं रहा है खून निकल रहा है आपके हाथ से? खून मतलब छोटी सी खरोच चाहिए। प्रज्ञा, अगर हम शोर नहीं मचाएंगे लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम अंदर है? मैं कुछ नहीं होने दूंगा ना तुम्हें, ना अपने आप को। ठीक है, मुझे बुलाने दो। कोई आ जाएगा तब तक हम यही अंदर बैठते। प्लीज, किसी की आवाज आएगी ना तो हम बताते हैं हम अंदर फंस गए। क्या कर रही हो आप? जैकेट पहने रही पहनो आप जैकेट पहने रही है। मैं कह रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर पा रही आपके लिए, इतना तो करने दीजिए। मेरी वजह से फंसे आप। मुझे कुछ नहीं हो, इसलिए आप अंदर आए ना। मुझे कुछ नहीं हो उसके वजह से तुमने अपना सब कुछ गौरव को दे दिया ना। मुझे कुछ ना हो इसलिए तुम अंदर आ गई और खुद फंस गई। आपको पाने के लिए किया था ना सब कुछ, जो कभी मेरा था ही नहीं वो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ है। आप है और हम हमेशा रहेंगे। तो मेरा कुछ खोया नहीं है, इनफैक्ट सब कुछ पा लिया है। यहाँ से बाहर निकलकर फिर से बोलोगी ना ये सब कुछ? क्या वो बिना कब कब आए बोलोगी तो सुनने में अच्छा लगेगा। बोलोगी, जब आप बोलेंगे तब बोलोगी, रोज बोलोगी। इधर इधर बैठो, इधर कोई आएगा ना? कुछ होगा तो? कुछ नहीं होगा, कोई आएगा ना हमें बताने। कोई नहीं आया तो? मैं बोल रहा हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कोई आएगा हमें बताने। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो बस कुछ देर और आंखें खुली रखना प्लीज। कोई आएगा हमें बचाने। आप है ना, कुमकुम मेरा भाग्य मेरे साथ है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Mm-hmm.
प्रज्ञा सोना नहीं प्लीज सोना ना आंखें खोलने लगो तुम सोना मत प्लीज कहेगा आप ही बचा आंखें बंद मत करना प्लीज अरे तो मुझे फोन क्यों नहीं किया इडियट सर आपने कहा था अगर पुलिस आए तो मुझे फोन करना और पुलिस तो आई नहीं हॉस्पिटल स्टाफ आए थे उन्होंने कोल्ड स्टोरेज से दो लोगों को निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया है अरे तो हर बात का इंस्ट्रक्शन दूंगा क्या मैं डैड के संग लंच पे था इसलिए फोन नहीं कर पाया अगर पता होता तो कुछ करता ना मैं सर आप क्या करते जो करना था हॉस्पिटल स्टाफ लोगों ने कर दिया अरे मुझे फोन क्यों नहीं किया फोन करना था ना मुझे सर हम छोटे लोग हैं हमें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है जितना कहा जाए उतना करो आपने कहा था पुलिस आए तो फोन करना और पुलिस आई नहीं मैंने आपको फोन भी नहीं किया और उन लोगों के बारे में बताना ऐसा कुछ था भी नहीं मुझे तो लगता है सर वो वहाँ फंस गए थे चलो फोन रख अब क्या अब प्लान बी डैड हाँ बॉस क्या ऑर्डर है अभिषेक मेहरा और उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट किया है पर बॉस वो तो आई नो हॉस्पिटल स्टाफ ने अभी और उसकी वाइफ को कोल्ड स्टोरेज से निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया तो तुम्हें तुम्हारा काम करना है उन्हें लगता है हॉस्पिटल जाके वो लोग बच जाएंगे हॉस्पिटल में मार दो दोनों को और जब मर जाए ना तो मुझे फोटो भेज देना समझ गए क्या कर रहे हैं ठीक है बॉस काम हो जाएगा अंदर लीजिए जल्दी प्लीज डॉक्टर डॉक्टर मेरे पापा हैं अंदर ठीक हो जाएंगे ना बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है पेशेंट को जल्दी से कवर करो चेक द मॉनिटर नर्स राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम किसी घबराइए मत शी इज फाइन नाउ उन्हें हम आईसीयू से अब इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और मेरे पापा आपके डैड वेल इट्स लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड आप एक काम कीजिए डॉक्टर आने तक थोड़ा यहीं वेट कीजिए थैंक यू मैम ठीक हो जाएंगे सर सर मेरे पापा कैसे अब वो खतरे से बाहर हैं ही इज बेटर आप उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करो मैम आप फॉर्म साइन करना भूल गए सॉरी मैं याद नहीं था इट्स ओके आप बहुत ज्यादा घबराए हुए थे आप दोनों पेपर साइन करके रूम नंबर 5 में आ जाइएगा हम आपके पेरेंट्स को वहीं शिफ्ट कर रहे हैं हम उनसे मिल सकते हैं डॉक्टर अभी नहीं बट डोंट वरी आप जल्दी उनसे मिल सकेंगे हाँ मैं वो साइन करके आती हूँ
मेरी फाइल है और आप कौन हो? मैं राकेश, वो मेडिकल सर्विस की फाइल अकाउंट डिपार्टमेंट में देनी थी, सॉरी। क्या ये सच है कि आपके पेरेंट्स को कोई मारना चाहता है? हाँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उनकी जान के पीछे पड़ा है खुद। होगा कोई पुराना दुश्मन उनका जो उन्हें मारना चाहता हो। प्याली, प्याली मेरी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही। अरे यूनिफॉर्म नहीं मिल रही क्या मतलब? वही कहीं होगा ना, सबका वही होता है। अरे यार मैंने चेक किया, बस मेरी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे यार प्यून की यूनिफॉर्म है, राजा महाराजा की थोड़ी है कि कोई तुमको बताएगा नहीं। अरे किसी ने पहन भी लिया होगा तो बता देगा ना आकर। अरे वही तो, जिसने भी चुराई हो क्या पता वो बताना ही नहीं चाहता हो। तो मैं राकेश, वो मेडिकल सर्विस की फाइल अकाउंट डिपार्टमेंट में देनी थी। वही होगा जो मेरी माँ और पापा को मारना चाहता है। कोई है? आप दोनों पेपर साइन करके रूम नंबर 5 में आ जाइएगा। हम आपके पेरेंट्स को वहीं शिफ्ट कर रहे हैं।